माने क्या अपना गला काट सकता है लेकिन पिपराशा को धोखा नहीं देगा। ये लोग मैं कांग्रेस में था, आज से 5 साल पहले कुमुलुंग में राहुल गांधी के साथ यही घर का हूं, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के था यहां। उस समय राहुल गांधी ने क्या बोला, हम सीपीएम के साथ नहीं है, हम सीपीएम को उखाड़ के फेंक देंगे। वो वीडियो में ये सीपीएम पार्टी ने यहां में जगदीश वर्मा है, बीके रंखौल है, मानव है, आईएनपीटी का बहुत लीडर है। 2008 में मैं कांग्रेस बनकर मैंने फाइट किया आईएनपीटी के साथ, हमको लगा हम लोग जीत रहा है, नहीं जीता क्यों। 2013 में कौरपुक से लेके सातरूम से लेके कंचनपुर में द्रव कुमार रियांग के लिए मैंने कैंपेन किया, लेकिन जब रिजल्ट निकला सीपीएम जीतता है कांग्रेस हारता है। आज मालूम पड़ा कि आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में था तो आपने त्रिपुरा को बेच दिया सीपीएम के हाथ में। हम सच बोल रहे हैं, ये लोग त्रिपुरा को कठपुतली बना के समझा है। उस समय मैंने फाइट किया, मैंने फाइट किया सीपीएम के संग, रतन बाबू भी था मेरे साथ कांग्रेस ने फाइट किया, कुछ नहीं मिला, अंडरस्टैंडिंग था। आज कांग्रेस का बड़ा नेता आज से 10 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है, प्रद्योत आपको बीजेपी आरएसएस को हराना पड़ेगा, राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को हराना चाहता है। तो मैंने बोला राहुल गांधी किसके अगेंस्ट लड़ रहा है, बोला बीजेपी आरएसएस। हमने बोला केरला में तो बीजेपी आरएसएस नहीं है गुरुई, किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है राहुल गांधी, CPIM। राहुल गांधी को केरला में कौन पार्टी हरा सकता है, CPIM। वहां में दुश्मन, त्रिपुरा में दोस्त। वहां में आप बोलता है कि सीपीएम में संगे जोट होवे ना, त्रिपुरा में बंधु। यही पार्टी यही नीति के लिए आज कांग्रेस त्रिपुरा में जीरो हो चुका है। मैं फाइट करता था सीपीएम से, आपने फाइट किया सीपीएम से। आज जिस पार्टी का वर्कर, मुझे दुख लगता है कांग्रेस को देख, हमको नौकरी नहीं दिया, हमारा वर्कर को मारा, जो सीपीएम को वोट नहीं करता था उसको नौकरी नहीं दिया, आज वही लोग सीपीएम को जाकर वोट देगा। वही आज भी जो कांग्रेस का हाथ चिन्ह है वो सीपीएम को जाकर वोट देगा। मैं आपको बोलता हूं, एक वोट कांग्रेस का जो भी है सपोर्टर सीपीएम को वोट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, आज इनकलाब मातरम हो गया। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, आज जिंदाबाद मातरम हो गया। बुबागरा, जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने क्या बोला, पोइला जाति उलो पार्टी। आज टिपरा मोथा में मैं लीडर होके भी यहां में प्रेम है, यहां में बीजेपी के लीडर्स है, मुख्यमंत्री जी है, मैं आज भी यहां में सबके सामने बोलता हूं, आई लव माई पीपल मोर देन माई पार्टी। आज भी सबके सामने मैं बोल सकता हूं, पुइला जाति उलो पार्टी। ये झंडा, ये फ्लैग, ये झंडा, ये फ्लैग मेरा कम्युनिटी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जाति, ये देश,
ये कम्युनिटी, ये राज्य हमारा कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन अपना कम्युनिटी को मैंने उठाया, जिस दिन अपना त्रिपुरा को मैंने उठाया, उस दिन अपना देश भी उठेगा, हम लोग सब उठेंगे। मेरा आइडियोलॉजी मेरा लोग है, मेरा आइडियोलॉजी मेरा गरीब तिपरासा है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले मैं आपको कुछ दूं, उसके बाद अपने बारे सोचूं। बहुत लोगों ने बोला है आज फिर से इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा बड़ा लीडर बोलेगा कि होल छे एब्सोल्युटली नॉनसेंस, होबे ना। जो लोग मैंने अपने आंखों से देखा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ा तो सोनिया गांधी का फोटो में जूता से चप्पल से मारा, तृणमूल गए, कांग्रेस को अटैक किया, उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी में जीता, काम नहीं बना, वापस कांग्रेस में। राजीव जी आप अपना मेंबरशिप फॉर्म 4 तारीख के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग वापस बीजेपी में घुसने की कोशिश करेंगे। इनका कुछ आइडियोलॉजी नहीं है, इनको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, बेचना है। इनको आपको सामने रखकर आपको बेचेंगे। 10 साल कांग्रेस था, 25 साल सीपीएम था, आज वही अगरतला बोलता है तो बोलो रोमन स्क्रिप्ट रख दो हो गए, तो किसने रोका आपको? 10 साल था आप लोग, किसने रोका आपको? 25 साल था आप लोग, उस समय क्यों नहीं किया? आज बोल रहा है ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा रख दो हो गए, आपका बाजू बन रियम था, एमपी था, एक बार नहीं 7-7 बार एमपी था, अपना रियांग को कितना गरीब से कंचनपुर में रखा, उस समय आपको प्यार नहीं था हमारा ब्रू के लिए। मैं गया, अमित शाह ने मुख्यमंत्री उस समय का बिप्लव कुमार देव जी ने दिल बड़ा होकर अपना ब्रू को त्रिपुरा में जगा दिया, उस समय कहा था आपका प्यार, आप जब त्रिपुरा से कौन हो रहा था, जब फुबा गया हटा कमर में खाली पेट अनशन कर रहा था, तब कहां था आपका प्यार, कहां था? मैंने बोला था कि जब तक राइटिंग में अलायंस नहीं, गारंटी नहीं मिलेगा, मैं अलायंस नहीं करूंगा। असेंबली में राइटिंग में नहीं हुआ, नहीं किया, लेकिन आज जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमको गारंटी देता है, उसका बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं? ये गारंटी मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं दिया? ये गारंटी मनिक सरकार ने क्यों नहीं दिया? आपको राजनीति करना था। आने वाले दिन में मैंने क्या बोला, पिक्चर अभी भी बाकी है। We the indigenous people of Tripura, we love India, we love all communities, and we shall fight for Thamsa, we shall fight for our constitutional rights, and we shall never surrender. But believe me, don't fight with a flag. Fight with your heart. अगर आपको फाइट करना है ना, अपने गरीब तिपरासा, अगर आपको फाइट करना है, एक बार अपना बच्चा का शक्ल को देखो। आज कोई लोग बोलता है पैसा देने से तिपरासा अपना वोट बेच देगा, मैं अपना बुरुई बुमा को बोलना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टाइम वोट डालोगे अपना बच्चा को एक बार देखो, 500 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए
थोड़ा सा चुआक के लिए, थोड़ा सा पोस्ट के लिए अगर आज आपने अपना वोट बेचा ना, तो आपका बच्चा मजदूरी करेगा। लेकिन अगर आपने सही सवाल पूछा, आपने सही इंसान को चूज किया, तो आपका बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर बनेगा। आज तक ड्राइवर पिपरासा था, पीछे कोई और बैठता था। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक सपना है कि एक दिन पिपरासा पीछे के सीट में बैठे और ड्राइवर कोई और होगा। मैं चाहता हूं आवर नेक्स्ट जेनरेशन शुड राइज, वी शुड कम अप, लेकिन किसी के खिलाफ। यहां में अगर पिपरासा गरीब है तो बंगाली भी गरीब है, अगर क्रिश्चियन के पेट में खाना नहीं है तो हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान के पेट में भी खाना नहीं है। अगर आपका बच्चा मरता है डायरिया, मलेरिया से, तो कहीं और भी किसी और का बच्चा मरता है। किसने ये किया, किसने ये किया, इसको बदलना है कि नहीं? मैं नहीं बदल सकता हूं अकेला, आप सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और आने वाले 5 साल के अंदर मैंने देखा है, अगर अपना दफा को, अपना सोसाइटी को उठाना है, तो सबसे पहले अपना बुरुई को, अपना भूमा को आगे रखना पड़ेगा। हम लोग ने भी अन्याय किया है अपना माँ के साथ, अपना बुरुई भूमा के साथ। जो प्यार आपने हमको दिया ना, हमारा भूमा लोग, मैं आपको और एक बार बोलना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, इतना प्यार मिला है आपसे कि भुभागरा आपके लिए कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा, आई प्रॉमिस यू। देखो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, ईश्वर ने, भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, नियुम्मा दिया, मां बाप ने अच्छा घर दिया, महल दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, लेकिन जिंदगी में एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, वो है अच्छा नाम। और वो अच्छा नाम तभी होता है जब आप लोग अपना जाति, अपना लोगों, अपना देश के लिए काम करता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ने मुझे ये पावर दिया है। एंड आई प्रोमिस यू जब मैं हताई कतर में था, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया, दिल्ली से विप्लव जी ने मुझे फोन किया, विकास मिनिस्टर था उसने फोन किया, बीके रामखोल, उन्होंने फोन किया, बोला भुभागरा अगर आप ऐसा कर रहे हो हम लोग कुछ करेंगे। मैंने देखा चर्च में हमारा क्रिश्चियन लोग ने फास्टिंग किया, मैंने देखा मंदिर में हमारा पिपरासा लोगों ने पूजा की, बुद्ध मंदिर में बुद्धिस्ट लोग ने भी प्रार्थना किया, ईसाई लोगों ने दुआ किया। आज जो सपोर्ट है ना मेरे पास, वो पैसे से नहीं आया, वो काम से आया है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, मैं काजनीति करना चाहता हूं, काजनीति। और जो लोग आज यहां में सीपीएम का फ्लाई दिखाई पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है? नहीं है ना रतन बाबू? नहीं है? क्यों नहीं है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यूट्यूब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाड़ देना, चल देना, चक्रांत करता हो, यही बोलता है, नाटक करता है, अपने आप को बहुबली बुलाता है। ए बहुबली लोग, सामने आओ ना, भुभागरा खड़ा है, टाइगर अभी भी जिंदा, 2 मिनट में
चैलेंज करना चाहता है ना। मेरे बाप को दुख करा के मारा, मेरे मां को बेइज्जत किया, महाराजा वीर विक्रम का नाम को बदनाम किया, गरीब पिपरा साह को भूमिहीन किया। आज हिम्मत है तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य के सामने आओ, हमारा बुरुई बदल आपको चूड़ी पहनाकर मेलार मठ में वापस भेज देगा। आंके बोनी कुरिया, आंके बोनी किरिया। और माणिक सरकार बोलते रहता है अपना पुराना कांग्रेस का दोष। आज कांग्रेस में रतन बाबू उन्हें कांग्रेस से आचन की तृणमूल बदलते रहते हैं ना ये लोग। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्यों ये करते हो यार, क्यों इतना नाटक करते हो? अगर नाटक ही करना था तो आज से 10-15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लेते। गुलशन ग्रोवर भी नहीं है, प्रेम चोपड़ा भी नहीं है, शक्ति कपूर भी नहीं है, आपको विलेन का रोल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम लोग बोलेगा ये अच्छा विलेन है, हम लोग यहाँ से बोलेगा। लेकिन इतना नाटक मत करो, ठोकाई मत करो। पिपरासा को बलि में रखकर जैसे राजीव ने बोला, पहले सीपीएम को 20 का 20 पिपरासा का सीट मिलता था, अब पिपरासा, अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन समझ चुका है, अब हम किसी और का फाइट मुफ्त में नहीं फाइट करेंगे। आप पहले हमको राइटिंग में कुछ दो तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलने वाला। आज मेरा आइडियोलॉजी अपना पिपरासा का आशा है, भूख है, उसका भविष्य है। मेरा आइडियोलॉजी तुम्हारे आइडियोलॉजी के संग नहीं बनता है। और जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी दुख होगा, राहुल गांधी जिस दिन शादी करेगा उसके बारात में बुबागरा नाचेगा। सच में आई लव हिम, सबके सामने बोल रहा हूं, उसके बारात में मैं नाचूंगा। लेकिन राहुल गांधी पिपरासा के लिए कुछ नहीं करेगा ना, तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। दोस्ती एक जगह में, कम्युनिटी एक जगह में, अपना दफा एक जगह में, दोस्ती कहीं और में। अपना दोस्ती के लिए अपना जमायत से, अपना लोगों से धोखा नहीं कर सकता हूं मैं। 15 तारीख को अमित शाह जी कुमार घाट में आएगा, उसने हमारे लिए प्रूव कोट किया। 17 तारीख को खबर है कि प्राइम मिनिस्टर त्रिपुरा आएगा, अगरतला में, उनके नीति के लिए, उनके पॉलिसी के लिए आज हमको कुछ मिलेगा। आप लोगों को मैं अपील करता हूं कि कुमार घाट में और अस्तबल मैदान में आप लोग जाइए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को द पावर ऑफ थानसा दिखाइए, द पावर ऑफ बुकुंबारा दिखाइए। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सबको लेकर चलना है। ठीक बोल रहा हूं? मेरे बाद चीफ मिनिस्टर जी बोलेंगे, डॉक्टर माणिक शाह, आप उनका भी बात सुनिए। और मैं डॉक्टर माणिक शाह जी को, मैं जानता हूं चुनाव है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब आई अपील टू यू, एडीसी के बारे में सोचिए। सबका साथ सबका विकास 100% होगा। एडीसी को अगर आप रखेंगे तो पूरा विकास सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि आपका कमिटमेंट रखेंगे, मैं जानता हूं आप तो प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे अब अनुरोध करता हूं कि जो आपके दिल में है उसको पॉलिसी में लाके रखिए। ये अलायंस सिर्फ इलेक्शन का नहीं, ये अलायंस को चलना चाहिए। ये अलायंस आगे बढ़ेगा तो त्रिपुरा का उन्नति होगा। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम लोग सब भाई भाई बनकर त्रिपुरा को आगे ले जाएंगे। ये मेरा दिल का, सब लोग मेरे संग एक बार खड़ा होके बोलिए,
अनुभव सभा सब लोग जो जिसको बैरिकेड तोड़ के आना भी है सामने आ जाओ बैरिकेड तोड़ के पहले सब लोग खड़ा होकर 30 सेकंड के लिए वन सुख दी